मैं आप लोगों को रूरल एरिया और रूरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा। एक्चुअली रूरल एरिया होते क्या हैं और फिर जब ये मिल के रूरल और डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले आते हैं रूरल एरिया के बारे में। बेसिकली रूरल एरिया वो एरिया होते हैं जहाँ पे आप कह रहे कंपेरेटिवली जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शेल्टर, फूड की कमी हो, ठीक है, काउंटर पार्ट में अर्बन सी, ठीक है, और जहाँ पे लोग ज़्यादातर डिपेंड करें अपने ज़राए आमदन यानी लाइवलीहुड के लिए, ज़राए माश लाइवलीहुड के लिए उस पर डिपेंड करें एग्रीकल्चर पे, जहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वाबस्ता हों एग्रीकल्चर से, लाइफ स्टाइल से, ठीक है। तो ये हो गया रूरल एरियाज। फिर डेवलपमेंट का लफ्ज आता है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट एक्चुअली आप इस तरह कह लें, इस तरह समझ लें कि एक आर्ट है, एक साइंस है, एक स्ट्रेटजी है, एक लय अमल है, एक प्लान है, ताकि रूरल एरिया की डेवलप, इससे रूरल एरिया की डेवलपमेंट की जा सके। मिसाल के तौर पर आपने अपने प्लानिंग प्रोसेस में आपने हेल्थ को डालना है रूरल एरिया के हवाले से, आपने एजुकेशन को डालना है और आपने एग्रीकल्चर को डालना है, ताकि इन चीज़ों की डेवलपमेंट हो, ठीक है, इन चीज़ों पे आपने इन्वेस्टमेंट करना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है, तब जाके वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में वो कहते हैं खुशहाली आ जाएगी। तो ये काउंटर पार्ट में अर्बन है, तो अर्बन में ज़्यादातर वो इंडस्ट्रीज बेस्ट उसका कंसेप्ट होता है, यानी रूरल एरिया में आपके लिए रॉ मटेरियल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ, चूँकि ट्राइबल बेड्स से हैं, यहाँ पे माइन मिनरल के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा ज़हायर है, ठीक है। अब रॉ शेप में यहाँ से मटेरियल निकलता है, ये भी हकीकत है कि इनसे भी लोगों की कुछ सर्कुलेशन ऑफ मनी आप कह लें या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है लोगों का, लेकिन ये रॉ मटेरियल जाके फिर रूरल एरिया अर्बन हब में जाके इसकी फिनिशिंग हो जाती है, ठीक है, फिर वही फिनिश होके हमें बेच दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में हम रहते हैं, हमने घर बनाने हैं, तो वो फिनिश आइटम फिर हमें महंगे दामों बेची जाती है। तो अर्बन में बेशक हो इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे आप मार्बल की मिसाल लें, वहाँ पे मार्बल फैक्ट्रियाँ हों, लेकिन अगर हम इस तरह प्लानिंग करें कि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट जाकर अर्बन एरिया में करें, सही, रॉ मटेरियल आएगा, वही फर्निश होगा, सारा प्रोसेस होगा, तो ये जो स्कोप है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है, मिसाल के हम रॉ मटेरियल तो निकालते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बंदे लगे हुए हैं, लोगों का रोजगार है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री भी इधर ही वो कर दे, लगा दे फैक्ट्री इधर ही लगा दे, तो ये होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका स्कोप ज़्यादा होगा, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्कोप ज़्यादा हो जाता है तो उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इससे मतलब बहुत ज़्यादा जो ज़रा आमदन है वो बढ़ जाते हैं। इस तरह एग्रीकल्चर है। हम जब रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे एक वो ट्रेडिशनल तरीके से होता है, मतलब वो जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है वो यहाँ की ज़रात में नहीं है, स्टाफ और ज़रात, तो हमने ऐसे पॉलिसीज बनाने हैं जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है वो हम ज़रात में डालते हैं, ठीक है, या पे बेहतरीन लेवलिंग हो, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, ज़बरदस्त प्रोसीड हो, इरीगेशन के ज़राए हो, मतलब हम कोई वेयर बना दे, कोई फार्म वाटर मैनेजमेंट कर दे, डैम बना दे, उससे इरीगेट कर ले, तो जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको हम मॉडर्न तरीकों से चेंज कर ले, तो ये इनकलाब आएगा और इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सही, क्योंकि ज़्यादा लोग मेजॉरिटी डिपेंड ही करते हैं एग्रीकल्चर पर, तो अगर हम इस फील्ड पर काम करें तो यकीन जाने जो रूरल एरिया है ये जाके वो कहते हैं ना, या तो अर्बन के पैरेलल हो जाएंगे या पैरेलल नहीं तो मतलब एक लेवल पे उसका मुकाबला करेंगे, लोगों को मौके कहते हैं और ज़्यादा मदन ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर काम करना होगा, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट से आप ये मतलब ले ले कि जब हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं
तो इस मकसद के लिए करते हैं कि हम रूलर एरिया को उठा के अर्बन के मुकाबले में कर दें। सही है, यहाँ पे आपकी रॉ मटेरियल बल्क में है, बल्क में। सही है, तो यहाँ पे अगर ज्यादा काम हो तो कंट्रीज, कोई मुल्क अगर है आप डेवलपमेंट मुल्कों का मिसाल लें, उसमें परसेंटेज के हिसाब से लें तो बड़े कम रूलर एरियाज हैं, सारे डेवलप हो गए, पूरा कौम उठ गया है, वो डेवलप हो गया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो रूलर एरिया बहुत ज़्यादा है, अर्बन कम है, इस वजह से हम एक डेवलपमेंट, एक डेवलपिंग स्टेज में है और अब तक है 73 सालों से। तो जो पॉलिसी मेकर हैं, जो प्लानर हैं, उसको रूलर एरिया पर तवज्जो देने चाहिए। और जो मोटे मोटी चीज़ें मैंने बता दी हैं, मुझसे तो ज़्यादा लोग समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो ग्रेजुएट लेवल के लोग हैं, जो कॉलेज, ताकि उसके समझ में आए कि रूलर और अर्बन में फ़र्क क्या है, रूलर एरिया किसे कहते हैं, और फिर इसकी डेवलपमेंट के लिए हम किन किन पैरामीटर्स को ले लेते हैं। आज के लिए इतने ही काफ़ी, इंशाल्लाह इस पे मेरा इरादा है कि मैं चार्ट लगाऊं, प्रेजेंटेशन एक करूँ, ये आप समझ दें कि इसकी एक वीडियो और आने वाली है जिसमें आपको मैं इंशाल्लाह इन डिटेल वो जो रूरल एरिया के डिटरमेंट है, वो जो रूरल एरिया के करेक्टरिस्टिक्स है, वो जो रूरल एरिया के मतलब टूल्स हैं डेवलपमेंट के, वो एक एक कर इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। इसके साथ अर्बन कंपैरिजन भी मैं